जानकारी देते हैं। आज भी उनका प्रचार जो है वो लगातार जारी रहेगा। खबर आपको दे देते हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज भी प्रचार जारी, कानपुर में दो सभाओं को संबोधित करेंगे। और वहीं आपको बता दें कानपुर देहात में दोपहर 12:40 पर वो एक सभा करेंगे और दोपहर 3:30 कानपुर नगर में जनसभा करेंगे। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज भी प्रचार जारी है, कानपुर में दो सभाओं को संबोधित करेंगे। रवि लगातार बने हुए हैं। रवि, क्योंकि दूसरी तरफ निकाय चुनाव भी लगातार जारी है, पहला चरण भले ही समाप्त हो गया लेकिन दूसरे चरण के लिए प्रचार ताबड़तोड़ हो रहा है, ऐसे में आज मैं डिप्टी सीएम की बात करूं तो क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान होना है और उस मतदान को लेकर जहां बाकी पार्टियों की अपनी तैयारी है वहीं बीजेपी की भी पूरी तैयारी है। हालांकि जो पहला चरण का जो मतदान हुआ है उसमें करीब 37 जिलों में वोटिंग हुई थी और जाहिर है कहीं ना कहीं उत्साह जरूर है बीजेपी में, क्योंकि चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था को लेकर जो काम किया गया हो या उसके अलावा बाकी मुद्दे हैं, रोजगार देने को लेकर भी लगातार कोशिश हो रही है कि उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी की बड़ी समस्या थी कैसे उसे दूर किया जाए, उसके अलावा सड़कें हैं वो बेहतर हो, पानी साफ मिले, इसको लेकर भी हालांकि लगातार सरकार काम कर रही है। और अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुद की बात करें तो वो बाकायदा समय समय पर ऐसी बैठकें लेते रहते हैं, विकास कार्यों की समीक्षा भी करते रहते हैं, चाहे वो अपने मंत्रिमंडल के लोगों के साथ हो या उसके अलावा जो जिम्मेदार अफसरों के साथ हो, और जरूरी संदेश भी देते हैं और उसका फायदा पार्टी को भी जरूर होगा ऐसा माना जा रहा है। अभी पहले चरण का चुनाव हुआ है, अभी दूसरे चरण का चुनाव होगा तो उसको लेकर जहां बाकी पार्टियों की तैयारी है वही बीजेपी की तैयारी है, उसी को लेकर ये अहम दौरे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तमाम सारे मंत्री हैं वो अपने क्षेत्रों में दौरे कर रहे हैं ताकि जो भाजपा कार्यकर्ता है उनमें जोश भरने के साथ में लोगों में विश्वास जगे और ज्यादा जो वोट हो वो पार्टी के पक्ष में आए ताकि इसका सीधा फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में मिले, क्योंकि अब बहुत कम वक्त रह गया है 2024 का लोकसभा चुनाव होने में। और बीजेपी एक माफी चाहता हूं, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश में पूरे दिल्ली की जो कुर्सी है वो तय करता है, और जाहिर है कि बीजेपी को दूसरी बार जो केंद्र में सरकार बनी है उससे बीजेपी से भी बहुत सारी उम्मीदें थी वो पूरी भी हुई है, और इस बार भी कोशिश होगी कि सभी 80 लोकसभा सीटों पे बीजेपी का परचम लहराए और उसी के चलते निकाय चुनाव है वो कहीं काफी अहम है। और इसी आज अगर मैं बात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की करूं रवि, तो कानपुर में आज वो रहने वाले हैं, अगर कानपुर की स्थिति को हम देखें तो क्या नजर आता है? जी बिल्कुल, चाहे कानपुर हो या बाकी जो की अगर हम बात करें तो जाहिर है काफी अहम दौरा है और इस दौरे के चलते ही जो कार्यक्रम होंगे और इसके जरिए कहीं ना कहीं कानपुर में जो बीजेपी को मजबूती प्रदान हो इसको लेकर मजबूती मिले इसको लेकर ये कार्यक्रम कह सकते कार्यक्रम होगा और दौरा ही काफी अहम माना जा रहा है। और क्योंकि सभी जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उन सभी जिलों में कहीं ना कहीं एक के बाद एक कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे डिप्टी। ठीक है रवि, आप बने रहिए, अगली खबर पर आपसे अपडेट लेंगे।